To get an output Y from the circuit shown below, the input must be. Okay, चलो अभी यहाँ पे देखो आपका इसको दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ. उसमें से पहला तरीका क्या है कि हम लोग डायरेक्टली ये जो आपको डायग्राम दिया है यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, आउटपुट से इनपुट की तरफ जाएंगे और सॉल्व करेंगे. इजी क्वेश्चन है ए बी सी एंड ये वाला वाई है, ये वाला आपके पास और गेट है और ये वाला गेट आपके पास एंड गेट है, राइट. चलो रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग. मुझे पता है कि आउटपुट कितना है हमारे पास, वन है. तो अगर एंड गेट है तो एंड गेट का आउटपुट वन कब होता है, जब उसके दोनों इनपुट क्या है, वन है, राइट. अभी देखो हमें यहाँ पे सी का वैल्यू क्या मिला, वन, मतलब ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर चले गए. अभी और गेट का आउटपुट वन कब होता है, जब दोनों में से एक इनपुट वन है. तो देखो ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री में ए एंड बी में से कोई भी इनपुट, एक इनपुट वन है तो आउटपुट वन मिलेगा, तो ऑप्शन थ्री इज अ करेक्ट वन, राइट. ओके, इसको इक्वेशन के साथ ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो जो आपके पास और गेट है ना उसका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग. यहाँ पे बना देता हूँ मैं, और गेट का इक्वेशन कैसे आएगा, देखो ये होगा ए और बी, यहाँ पे तो सी आ रहा है तो वाई क्या है यहाँ पर ए और बी एंड ये क्या है यहाँ पर सी है, राइट. ओके, बाद में क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एंड सी और बी एंड सी. तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास दो टर्म्स है ए एंड सी एंड बी एंड सी, तो ये दोनों में से कोई भी एक टर्म वन मिला तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, वन मिलेगा. तो ए एंड सी एंड है मतलब दोनों इनपुट ए एंड सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, वन. तो ए एंड सी कहाँ पर वन है, देखो यहाँ पर वन है तो मतलब ये आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा. बी एंड सी का कॉम्बिनेशन देखो कहाँ पर वन है, क्या बी एंड सी ये ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, मतलब चलो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन थ्री इज़ अ करेक्ट वन.